गाड़ी पर बैठने नहीं लोग देते थे, गरीब का घर में मुर्गा उर्गा रहता था तो वो लोग भी पकड़ करके ले जाते थे लोग, बेटी बहन के भी साथ दुर्व्यवहार लोग करते थे। हम लोग जब होश हुआ तो इसका खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए, लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 85 और मैं हूं अमित। अभी हम लोग हैं बक्सर जिला के कैथहर कला गांव में। आज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाएंगे जिनका इस शाहबाद जोन में, शाहबाद क्षेत्र में किसी ज़माने में तूती बोलती थी, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे और सामंती ताकतों के जुल्म के खिलाफ गरीबों को संगठित करके एक नारा बुलंद करके और सामंती ताकतों के खिलाफ में एक कड़ी लड़ाई लड़ते थे। उस समय में रणवीर सेना का बोलाबाला था, तो इधर से माले के नेतृत्व में, माले के झंडा के तले ये गरीबों को, मजदूरों को, खेतिहर मजदूरों को सामंती ताकत और जुल्म के खिलाफ एकजुट करके लड़ाई लड़ने का काम किए। हमारे साथ आज हैं, आज आपको मिलाएंगे महेंद्र राम जी से, कैथर कला गांव के हैं, और इनसे बात करते हैं और हम आपको इनसे मिलाते हैं। जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को पहले अपने परिचय। हमारा घर कला कैथर पड़ता है। मेरा नाम महेंद्र राम है, पिताजी का नाम नगीना राम है, पोस्ट सुजातपुर है, थाना धनसोई है, ज़िला बक्सर है। हम जरूर जुल्म का खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, गरीब को गांव-गांव में जा कर के संगठन बनाना, जुलूस प्रदर्शन में ले जाना और जमीनी लड़ाई लड़ना और दखल कराना। बहुत से गांव में हम दखल कराए हैं। आप हमको ये बताइए, उस समय रणवीर सेना के अत्याचार का दौर था, बहुत जुल्म होता था, तो आपने तो ये सब सारा जुल्म आपको देखी होगी, तो उस समय हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस टाइप का जुल्म होता था, सामंती लोग कैसे अत्याचार करते थे गांव में? लोग खेती पर बैठने नहीं लोग देते थे, गरीब का घर में मुर्गा उर्गा रहता था तो वो लोग भी पकड़ करके ले जाते थे लोग, बेटी बहन के भी साथ दुर्व्यवहार लोग करते थे। हम लोग जब होश हुआ तो इसका खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए, लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए और गांव-गांव में जाकर संगठन बनाए, ज़मीन दखल कराए। जैसे कैथर में 40-50 बीघा ज़मीन दखल कराए हैं, अभी तक जोत में है। दुल्फा में 60 बीघा ज़मीन हम लोग जाकर दखल कराए, मोहरिया में भी 60 बीघा ज़मीन दखल कराए, वो भी जोत में है। इधर और रौनी पचौली में जा कर के कराए, नटवार में भी जा कर कराए हम लोग लड़ाई, तरह के लड़ कर के जो कि ज़मीन सरकारी जो ज़मीन है, नारा था कि जो सरकारी ज़मीन है वो ज़मीन हमारा, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, इसलिए हम लोगों ने संगठन बना करके जन समुदाय के बल पर हम लोगों ने दखल कराए। बहुत से कैंगूर जिला में भी दखल कराए हैं हम लोग, बघनी गांव है, फिर अमिलिया गांव है, दादर हैं, ऐतिहासिक चीज़ है, इतिहास है कि हम लोग कराए हैं, सही बात है। आंदोलन करने में और संघर्ष करने में कई बार जेल जाना पड़ता है, कानून के तरफ से भी, पुलिस के तरफ से भी प्रताड़ित होना पड़ता है, पुलिस की लाठी गोली भी खाना ही पड़ती है, तो आप पे कितना पुलिस द्वारा आपको कभी प्रताड़ित किया गया है, आप पे कभी कोई केस वगैरह? हाँ, पुलिस हमको पकड़ करके लाठी से बहुत मार मारा था, गोड़ और फुला दिया था कि बोल रहा था कि तुम नेता बनते हो गरीब का, बाकी उस मार से हम लोग डरे नहीं, लड़ते रहे। जेल भी 3-4-5 बार भी गए हैं, कभी गए थे तो 2 वर्ष रहा है, कभी 6 महीना रहे हैं, कभी 10 वर्ष रहे हैं। अभी मैंने हमारे ऊपर 6 मर्डर केस है और मर्डर केस ख़त्म हो गया, जिस भगवान में मर्डर केस था वो ख़त्म हो गया। अभी सासाराम बक्सर में 6 मर्डर हमारा चल रहा है। अच्छा, गांव की क्या स्थिति है अभी, जब आप
लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। इसके बाद स्थिति अभी सामान्य है कि पहले के जैसा ही, जिस दौर में अत्याचार होता था, लोग अपने ज़मीनों पे जा नहीं पाते थे, वोट नहीं देने जा पाते थे। अब आप लोगों ने संघर्ष किया, बहुत आंदोलन किया, अब आपकी क्या मतलब, अब क्या लगता है, अब स्थिति कुछ बदली है कि यथावत? स्थिति बहुत से बदला है, बहुत कंट्रोल में आ गया है। अभी हम लोग एकदम माने जो जुलम था उसमें मुक्त हैं, और वोट वोट मारने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और पहले लोग जमींदार लोगों ने मुर्गा धर लेता था, बेटी बहन को पकड़ लेता था, वो सब नहीं है, उसलिए मुक्त हम लोग हो गए हैं। अब वो जुलम, हाँ पहले वोट नहीं मारने देता था, वोट तो भगा देता था, बाकी अब वोट मारने देता है, अब नहीं रोकता है। इसलिए कि इस चीज़ के लेकर के बहुत से झड़पा झड़पी हुआ, मारामारी हुआ, केस फौजदारी हुआ, जेल गए आए, फिर भी वही लड़ाई हमारा चालू रहा। अब वोट नहीं रोकता है, अब हम लोग अपना इच्छा के अनुसार किसी को वोट मारते हैं। आंदोलन करके, लोगों को संगठित करके कई गांव में, दिनारा क्षेत्र और बक्सर, भोजपुर, कैमूर के कई गाँव में संघर्ष बदौलत दलितों और भूमिहीनों को इन्होंने ज़मीन कब्जा दिलवाया। आप उस ज़मीन के कब्जा दिलवाने वाले आंदोलन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती थी? होता था, जमींदार लोगों ने परेशान करता था, सस्पेक्ट में नाम दे देता था, पुलिस आती थी हमको पकड़ के ले जाती थी, फिर बेल करा लेते थे, बेल करा करके फिर हमारा, हम उसी लड़ाई में जुट जाते थे। जैसे कि एक व्यक्ति को अपने घर चलाने की भी जिम्मेवारी होती है, आम तौर पर देखा जाए तो घर चलाने की जिम्मेवारी होती है व्यक्ति पे, तो इन सब कार्यों के बावजूद आप घर की जिम्मेवारी कैसे संभालते थे, और अभी आपके घर की आर्थिक स्थिति क्या है? हमारा घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, हम भूमिहीन आदमी हैं, एक धूर जमीन नहीं है, हम भूमिहीन आदमी हैं। अभी हमारा आर्थिक रूप से कमज़ोर आदमी है, ठीक नहीं है। जहाँ तक से बाल बच्चा जिलाने गए, जहाँ तक से सवाल था, तहाँ गरीबों जो हम लोग संगठन बनाते हैं गांव गांव में, वो संगठन द्वारा जनता अनाज तहसील करके हमारे घर लोग पहुंचाते थे, बाल बच्चा के जिलाने के लिए। हम लड़ाई में रहते थे, संगठन में रहते थे, संघर्ष करते थे, हमारा कोई चिंता नहीं था। तो ये थे महेंद्र राम, इन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और दलित वंचितों और भूमिहीनों के लिए, भूमिहीनों को आधुनिकता के दौर में स्थापित करने के लिए इन्होंने बहुत अपने जीवन का एक अच्छा खासा उम्र संघर्ष में बिताया है। अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी इन्होंने छोड़ दिया था और संघर्ष में अपने आप को अंतिम समय तक झोंके रहे थे। और आप देख रहे हैं आवाज़ 85, हम आपको मिलाते रहेंगे ऐसे ही शख्सियतों से। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियो को तुरंत देखने के लिए घंटी के निशान वाले बटन को दबा लें। जय हिंद, जय भारत।